हेलो गाइस, आज हम फिर आए हैं शोल्डर का वर्कआउट लेके। तो ये जो वर्कआउट है थोड़ा एक्सट्रीम लेवल है, तो इसको हम यूज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम करेंगे लैटरल रेज, जो हमारे साइड लैटरल पे आएगा, ठीक है। गो स्ट्रेट, इसमें हमने क्या करना है कि बॉडी का मूव नहीं करना, जो पहला है इसमें स्ट्रेट रखना है 12 रैप्स। वेरी गुड। इसके साथ इमीडिएटली खड़े होके 12 रैप्स। जो बैठ के करेंगे उसके अंदर बॉडी का मूवमेंट नहीं होगा, और जो खड़े होके करेंगे इसमें हल्का बहुत मूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि मसल पूरा पंप हो चुका होगा। कोशिश करना कि इसको एकदम स्ट्रेट लेवल पे चलाना। हमारे डेड्स के अंदर 3 हेड होते हैं, हम ये लैटरल हेड है तो इसके ऊपर काम किया है। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे जो हमारे रियल डेड के ऊपर आएगी। ओके गाइस, अब ये एक्सरसाइज हमारी रियल डेड के अंदर है। हमने इसको इंप्लांट पे इसलिए किया है कि हमारी बॉडी बिल्कुल मूव ना करे और रियल डेड पे पूरा प्रॉपरली आए, ठीक है। और इसमें हाथों की पोजीशन देख लीजिए, ये आपके अपर ट्रैप्स, आपके रियर डेड दोनों पे आएगा, बैक और डेड के ऊपर। इसके इमीडिएटली साथ में बैक के प्लेट के साथ, अगर प्लेट से नहीं हो पा रहा तो आप डंबल का यूज भी कर देना, इसके अंदर बॉडी को मूव कर सकते हैं। उसको हमने इंक्लाइन के इसलिए किया था कि बॉडी मूव ना हो, अच्छी तरह वो पूरा पंप हो जाए। तो हमें टोटल 24 रैप्स करने हैं, उसके अंदर हमें 12 और इसके अंदर 12। ओके, रिलैक्स। ये हमारा सेकंड हेड है, ये पीछे पहले हमने किया लैटरल, नाउ आपका पोस्टीरियर। अब एंटीरियर के हम देखते हैं गाइस। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एंटीरियर है, एंड किसी भी टेबल पे या वॉल पे ले लेना जिसपे आपकी बॉडी पीछे एक स्टेबल हो जाए, और इसके बाद फिर एकदम स्ट्रेट में प्लेट्स के साथ एंटीरियर को पूरा पूरा टारगेट करना है। कोशिश करना है इसमें 12 रैप्स करना है, और ग्रेविटी के साथ आपने काम करना है, ग्रेविटी का स्लो, उसके अपोजिट आपने फास्ट लेके आना है। 12 रैप्स कंप्लीट होते ही आपने फिर स्टैंडिंग में सीधा आगे खड़ा होना है, और खड़े होते ही फिर इसको 12 रैप्स। इसके अंदर बॉडी का मूवमेंट हो सकता है, पीछे मूवमेंट नहीं, पीछे इसलिए रखा है कि बॉडी स्टेबल होकर करे, मसल पंप हो जाएगा, उसके बाद आपकी बॉडी मूव करेगी तो प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके गाइस, अब हम करेंगे अपराइट, जिसके अंदर हमारा क्लोज एंड वाइड दोनों होगा। फर्स्ट हमने क्लोज ग्रिप लेनी है एंड 12 रैप्स, 2, 3, 12 कंप्लीट करते ही वापिस रखना है, और इसको लेना है वाइड ग्रिप। वाइड, ओके, वाइड ग्रिप हमारी चेस्ट तक आएगी, बारबल हमारी, ओके, और एल्बो हमारे शोल्डर लेवल पे आएंगे। 12 रैप क्लोज एंड 12 रैप वाइड। इस पूरे वर्कआउट को आप करके देखना, आपके मसल्स में जो पंप आएगा, जो सिमेट्री, जो शेप आएगी, वो आप देखना। अब हम करेंगे श्रस। ये सबकी फेवरेट एक्सरसाइज है, आपके अपर ट्रैप्स के लिए और आपके डेड के लिए। इसमें क्या करना है, हमने श्रस करने हैं, ऊपर लेके आना है, अप 1 2 डाउन, अप 1 2 डाउन, हल्का सा बॉडी को आगे की तरफ बैंड कर देना, जो आपके ट्रैप्स के ऊपर पूरा आए। अप 1 2 डाउन, अप, फुल ऑन कॉन्ट्रैक्शन के साथ आपने ट्रैप्स को पूरा फील करके मारना है। जो भी वर्कआउट आप करें उसको आप मसल्स को माइंड टू मसल कॉन्टैक्ट लेके ग्रेविटी के साथ काम करें, तो आपके मसल्स में बहुत अच्छा पंप आएगा, ठीक है, जिसके अंदर आपकी स्ट्रेंथ भी बिल्ड होगी। मैं अमनजोत एंड मेरे साथ सिद्धार्थ, आपको जो भी क्वेश्चन हो कोई भी वर्कआउट को लेके, या पर्सनल ट्रेनिंग को लेके, या किसी भी चीज़ को लेके, या डाइट को लेके, आप प्लीज़ सिद्धार्थ को कॉन्टैक्ट कीजिए।